मेकअप, और ये बेस मेकअप में हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। आप सबसे पहले स्किन केयर कर लो, जस्ट उसके बाद में हम कॉन्ट्रोलिंग और कंसीलर की थ्रू हमारा बेस मेकअप रेडी करेंगे। उसके ऊपर आपको जो भी मेकअप अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो इसको रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा कॉन्ट्रोलिंग। ये मेरे पास डार्क कलर का कॉन्ट्रोलिंग है, द ब्रांड इज स्विस ब्यूटी। साथ में ब्रश ले, बिकॉज जिस तरह से हम कर रहे हैं बहुत ही वायरल था और बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा था, तो आई वॉन्टेडिंग कि आज हम उसी तरीके से करेंगे। तो धीस शुरू होने से पहले गड़बड़ हो गई, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फेस कॉन्ट्रिंग ब्रिंग। तो अगर आप देखोगे तो ये एकदम ऐसी डिजाइनिंग जैसा लग रहा है और थोड़ा सा लाइट लग रहा है, पता नहीं क्यों फ़ोन में ऐसा दिख रहा है, बट अगर मैं मिरर में देख रही हूँ ना तो ये काफ़ी डार्क दिख रहा है। नाउ इसमें हम ऐड करेंगे कंसीलर जो मेरी शेड की जैसा ही है, और ये भी है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है। तो जहाँ जहाँ गैप लग रहे हैं वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दिस कॉन्ट्रोलिंग। मेरा फेस मतलब माथा थोड़ा सा छोटा है तो मुझे बाल को कवर करना पड़ता है, सो लाइक दिस यू कैन, अरे बाप रे सारी गड़बड़ी आज ही होनी है। ये अब अच्छी तरह से लग चुका है, अप्लाई हो चुका है, और मेरा फेस एकदम से बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने डिज़ाइन बना के रखा है। नाउ अब टाइल्स को ब्लेंड करना है, तो पहले मैं जो डार्क कॉन्ट्रोलिंग है ना उसको ब्लेंड करूँगी। तो ये ब्रश था, ब्रश की हेल्प से मैं कर रही हूँ, बट मुझे बाद में ऐसा लगा कि नहीं मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए, तो जहाँ तक हो सकता था मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी। बाद में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है, ये रख देती हूँ, ठीक है। तो ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, तो इससे हम अप्लाई करेंगे मतलब ब्लेंडिंग करेंगे। यार 10 मिनट से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मेरे तो हाथ अभी दुखने लगे थे, तो जस्ट मैंने थोड़ा सा ब्रेक ली और फिर से स्टार्ट की इसको ब्लेंड करना, बिकॉज ब्लेंड में कितना डैप 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 करते होना पड़ता है, तो इट्स टेक टाइम। और थोड़ा सा हाँ टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया, फिर भी मेरी नोज अभी भी बाकी है, तो इसको अच्छी तरह से हम करेंगे ब्लेंड।
चलो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मेरे बाल भी एकदम से बिखर गए, और ये ब्लेंडिंग अभी हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं थोड़े से पहले बाल सीधे कर लूँ। नाउ यू कैन सी काफ़ी अच्छा बेस रेडी हो चुका है विथ कॉन्टूरिंग और कंसीलर के साथ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी जो चिक है ना, आप देखोगे तो एक शेप बन के आया है, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप लोग को कैसा लगा, और ऐसे वीडियो के लाइक से सब्सक्राइब करना। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।